आइए अब आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ को जानने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। जो कुछ हानियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली हानि कहती है कि आत्मनिर्भरता का अभाव। मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करते हैं, वहाँ पर जब हम उसके लाभों की बात कर रहे थे तो वहाँ पे इसका पहला पॉइंट आपने जाना था श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। ये ही पहला पॉइंट कहीं ना कहीं इस हानि के पहले बिंदु का कारण बनता है। क्योंकि क्या होता है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को अपनाने के बाद देश क्या करते हैं, केवल उन्हीं उत्पादों पर कार्य करते हैं या उनका उत्पादन करते हैं जो कि वो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि कम खर्चे में और अवेलेबल रिसोर्सेज के अंतर्गत वो कर सकते हैं। और बाकी वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे देशों पर पूरी तरीके से निर्भर जाते हैं। तो वहाँ पर देशों का आत्मनिर्भरता का अभाव हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर इंटरनल बिजनेस होगा, जैसे हमने इंटरनल बिजनेस में बात की थी कि जब इंटरनल बिजनेस में कोई भी समस्या आती है तो वो आंतरिक रूप से क्या होगी, इफेक्ट करेगी। मतलब क्या होगा कि एक छोटे लेवल पे समस्या बनेगी और उसको वहीं का वहीं सॉल्व कर दिया जाएगा, जिससे कि देश को बहुत बड़ी मात्रा में फाइनेंशियली एक जो होता है डाउनवर्ड जाने का, या उसके वित्तीय स्थिति को नीचे जाने की बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम जब ग्लोबल बात कर रहे हैं, ग्लोबल बिजनेस की या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की या इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर किसी भी प्रकार की हानि होती है, और इस सिचुएशन में जब एक देश दूसरे देश पर विभिन्न चीज़ों के लिए डिपेंड हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होती है, कहीं ना कहीं एक जो फाइनेंशियल प्रेशर बना होता है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट या बिजनेस वाली बात है, वो बिजनेस क्या होता है, एक प्रेशर बना के रखता है जिससे कि एक देश पर हमेशा दबाव बना रहता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटी या फाइनेंशियल पोजीशन भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हिल सी जाती है। तो ये पहला बिंदु है जो है आत्मनिर्भरता का अभाव। दूसरा बिंदु है आर्थिक शोषण। बिल्कुल सही बात है, यहाँ आर्थिक शोषण होता है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो होता है, एक प्रकार से जो देश है वो आर्थिक रूप से शोषित होता है। अगर हम निर्यात की बात कर रहे हैं तो जो देश निर्यात कर रहा है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट कमा रहा है, लेकिन जो देश आयात कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से थोड़ा ना थोड़ा उससे उसके साथ आर्थिक शोषण हो रहा है। ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल बिजनेस जब शुरू होते हैं तो यहाँ पे जो बिजनेस करने के लिए लोग आते हैं, वो मान लीजिए हमारे जो देश में या किसी भी देश में बात कर रहे हैं हम, जो नेचुरल रिसोर्सेस या प्राकृतिक संसाधन हैं उसका दोहन करने लगते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको खरीद लेते हैं कम कीमतों पर, लेकिन जो फाइनल गुड या अंतिम उत्पाद बनता है उसे अधिक कीमतों पर हमारे देश में विक्रय करते हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण को हम आर्थिक शोषण से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर। तीसरा बिंदु कहता है प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित विदोहन। अब देखिए, जब रॉ मटेरियल कम मात्रा में मिल रहा है और उस रॉ मटेरियल से जो फाइनल गुड बन रहा है, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली गई तो इसका अनुचित विदोहन भी शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर यूज़ नहीं हुआ लेकिन उसका निकाल लिया गया है और एक समय के बाद अगर वो ख़राब हो गया, तो स्थिति में क्या होगा, वो प्राकृतिक संसाधन बेकार होने लग जाते हैं। तो यहाँ हम प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित विदोहन को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है राशि पतन का अभाव। राशि पतन का किस तरीके से अभाव होगा, जो दूसरे देश के बिजनेसमैन हैं वो हमारे देश में आएंगे और साथ ही साथ वो यहाँ बिजनेस शुरू करना चालू करेंगे और धीरे धीरे वो कम कीमतों पर अपनी वस्तुओं को बेचेंगे, जिससे क्या होगा कि वो मार्केट को कैप्चर करना शुरू करेंगे। अब जो बाहर के लोग हैं,
एक देश में आकर के वहाँ के मार्केट को कैप्चर करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ का खुद का इंटरनल मार्केट कितना इफेक्टिव होगा। हो सकता है कि खुद के जो बिजनेसमैन हैं उस देश के, वो उनका सुपड़ा साफ हो जाए, या फिर उनके जो ट्रेडिंग है या बिजनेस है पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, जिससे यहाँ पर जो होता है एक राशि पतन की समस्या या उसका भय बना होता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हानिकारक वस्तुओं का प्रभाव। अब हानिकारक वस्तुओं कैसे प्रभाव कर सकती हैं, जैसे कि हम कुछ खाद्य पदार्थ को ही ले लें, मान लीजिए या फिर हम कह सकते हैं कि हम जो अक्सर लोग जिम जाते हैं, मैंने कल 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ देखी थी, उसमें ये बता रहा था कि जिम जाने वाले लोग जो अलग से न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं या सप्लीमेंट्स हम कह सकते हैं वो लेते हैं, वो क्या है, विदेशों में बन रही है और उसकी क्वालिटी जो है या उसका गुण है वो उतना अच्छा नहीं है। वो एक प्रकार का भूसा ही है, लेकिन उस भूसे को कम मात्रा में तैयार करके बहुत बड़ी मात्रा में उसका व्यापार किया जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो फाइनेंशियली जो देश उसको कंज्यूम कर रहा है वो कमज़ोर हो रहा है, और दूसरी चीज़ क्योंकि उन सप्लीमेंट्स में वो फ़ायदेमंद प्रोटीन विटामिन्स नहीं हैं जो कि किसी के शरीर को बनाने में, मजबूत करने में, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करें। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, लोगों के शरीर और उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो यहाँ पर हानिकारक वस्तुओं के प्रभाव को इन उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है देश का असंतुलित विकास। देश का असंतुलित विकास कैसे होगा? अब जब व्यावसायिक रूप से अगर हमारा देश कमज़ोर पड़ने लगा, क्योंकि बाहर के देश के लोग आए, उन्होंने अपना देश में व्यवसाय फैलाया, पहले कम कीमतों पर वस्तुओं को विक्रय किया, अपने व्यवसाय का विकास विस्तार किया, यहाँ पर रहने वाले जो व्यवसायी थे उनको मार्केट से पूरी तरीके से उनको हटा दिया, और धीरे से फिर क्या हुआ, उन्होंने जब अपनी मोनोपोली बना ली उसके बाद वो अपनी वस्तुओं को ज़्यादा मात्रा में विकृत करने लगे। तो इस स्थिति में क्या हुआ, जो देश का है वो विकास असंतुलित हो गया, या हम कह सकते हैं देश का विकास रुक सा गया। तो ये भी एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से हानि हम जान सकते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है राजनीतिक दासता का प्रतीक। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई तो वो भी व्यवसाय करने ही आई थी। उन्होंने व्यवसाय के माध्यम से तो हमारे देश में एंट्री ले ली, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश पर ही उन्होंने कब्जा कर लिया था, या यूं कहें कि हमारे देश को चलाने वाले वो हो गए थे, हमारे देश पर राज करना शुरू कर दिया था। तो इस उदाहरण को हम इस बिंदु से जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि राजनीतिक दासता का प्रतीक किस तरीके से एक देश बन सकता है। ये छोटा सा उदाहरण केवल इस बिंदु को समझाने मात्र के लिए ही मैंने उपयोग में लाया था कि किस तरीके से ये लोग, जब मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी तो वो व्यवसाय के माध्यम से आया, और आज के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो ऐसे कई बिजनेस हैं जो व्यवसाय के माध्यम से आ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, देश की राजनीति यानी पॉलिटिक्स में भी अपने पांव पसार रहे हैं, और पॉलिटिक्स में आने के बाद वो देश को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब हालांकि हमारा जो देश है या जो डिफरेंट देश है, ये विकासशील और विकसित देश है, अब इतने विकसित तो हो चुके हैं कि उनको इन चीज़ों की जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हानियां हैं वो सामने आती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, या अगली हानि की ओर। अगली हानि कहती है द्वेष भाव तथा युद्ध। अब आप देख रहे हैं मार्केट या बाजार में भयंकर कंपटीशन है, तो ये केवल आंतरिक व्यापार में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी है।
तो किसी देश या विकासशील देश को हम कह सकते हैं, किसी भी विकासशील देश पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए ये जो द्वेष है उसका भाव उत्पन्न हो जाता है, और कभी कभी ये इतनी बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो जाता है कि वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ बिंदु थे या ये कुछ हानियाँ थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पन्न हानियों को जानने के बाद आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वे कौन कौन से बाधक तत्व हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बाधक तत्व में पहला है भाषा भेद। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि हर देश को जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँचता है या आसान भाषा में कह सकते हैं कूदता है मार्केट में, तो उसे जिस देश के साथ व्यवसाय करना है वहाँ की भाषा आनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय में ऐसी बहुत सी बारीकियाँ होती हैं जिनको जानना व्यवसाय करने से पहले बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे भाषा का एक अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। तो चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है, तो व्यवसाय शुरू करने से पहले उन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर इस स्थिति में भाषाओं का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यवसाय में हानि होने की संभावना होती है। अगर एक उदाहरण को हम समझें कि मान लीजिए एक देश है जिसकी कोई अपनी एक अलग भाषा है और दूसरा देश उस भाषा को नहीं जानता, उनके बीच एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बना ताकि वो बिजनेस कर सके इंटरनेशनल बेसिस पे, उन्होंने कुछ शब्दों में फेर बदल कर दिया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उनकी भाषा में था और उनके उस कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से नहीं समझा गया, तो क्या होगा, जो दूसरे देश के बिजनेसमैन हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाएंगे और इस इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट के नियमों को तोड़ना और उनका उल्लंघन करना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो इस तरीके से हमने भाषा भेद जो पहला बाधक तत्व है उसको जाना। आइए दूसरे बाधक तत्व को देखते हैं कि अगला बाधक तत्व क्या है। अगला बाधक तत्व है अधिक जोखिम। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत बड़ा जोखिम है। पहले तो जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कोई भी उत्पाद कहीं बन रहा है वो चाहे आयात हो रहा है या निर्यात हो रहा है, तो उसको उस स्थल से जहाँ जाना है वहाँ तक सुरक्षित पहुँचने की कितनी गारंटी है, टूट फूट होने की भी बहुत सी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर वो जिस तरीके से आ रहा है, मान लीजिए जहाज़ के थ्रू आ रहा है, पानी के जहाज़ के थ्रू, तो उस स्थिति में वो पानी का जहाज़ सुरक्षित तौर पर उस देश में आ जाए जहाँ पर उन वस्तुओं की आवश्यकता है या उसके नुकसान ना हो, इसकी कितनी गुंजाइश है, ये सारी चीज़ें इस जोखिम के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ मैंने जैसे कहा कि भाषा भेद भी एक जोखिम है जो कि ये उत्पन्न करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में। अगले बाधक तत्व की ओर बढ़ते हैं। अगला बाधक तत्व है सरकारी नियंत्रण। अब बच्चों देखिए, जो देश एक दूसरे के साथ व्यवसाय करते हैं, हर देश की सरकार का अपना एक नियंत्रण होता है। इस व्यवसाय को करने से पहले उनको लाइसेंस कराना पड़ता है अपने बिजनेस को, और कुछ ऐसे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं जिसको पूरा करने के बाद ही इस तरह के जो एक्टिविटी है या इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो ये जो है एक अपने आप में कठिन काम माना जा सकता है, क्योंकि सरकारी नियंत्रण या सरकारी हस्तक्षेप होने की वजह से, देखिए दोनों देश की सरकारों का अपने देश के नियम कानूनों के हिसाब से हस्तक्षेप एवं नियंत्रण होगा, तो इस स्थिति में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को करने में। इसी से जोड़ते हुए इसके अगले बाधक तत्व की हम देख रहे हैं, इसका अगला बाधक तत्व है कानूनों में अंतर। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने बताया सरकारी नियंत्रण या लाइसेंस करना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से हर देश का अपना एक नियम कानून है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। केवल हम देखते हैं जब हम कहीं घूमने ही जाते हैं तो उस देश का कानून बिल्कुल डिफरेंट होता है, वहाँ पर हम उस कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर
ये तो छोटी सी बात है। अगर हम उसी देश में बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लॉन्ग टाइम रहने वाले हैं, उस देश से अलग अलग तरीके से जुड़ने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए उस देश के कितने सारे अलग कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हर देश का एक अपना अलग कानून होता है और उसको निभाने के तरीके भी अलग होते हैं। तो ये जो है एक अगला बाधक तत्व होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का बाधक तत्व अगर हम देखें तो भुगतान संबंधी असुविधा। देखिए बच्चों, अब चूंकि मैंने बात की थी कि हर देश की अपनी एक अलग करेंसी होती है ना, मुद्रा की विविधता की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भुगतान में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती। एक देश की करेंसी अलग है, दूसरे देश की करेंसी अलग है, दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। अगर आप देखें कि एक डॉलर बराबर कितने रुपए होते हैं, तो दोनों की करेंसी की वैल्यू को इवैल्यूएट करें तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे देशों की भी देखें तो जो भी बिजनेस होगा दो देशों के बीच होगा। तो जब दो देशों के बीच होगा ये इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये जो होगा उस करेंसी पे बेस्ड होगा, है ना। तो मान लीजिए हमारे देश से कोई वस्तु निर्यात हो रही है, तो निर्यात होने के बाद जो यहाँ पर हमने वैल्यू बताई है कि इसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, तो उस स्थिति में क्या हो रही है, उसको वहाँ से उतना फ़ंड रिलीज़ करना पड़ेगा। लेकिन वो फ़ंड जो होगा उनकी करेंसी पर किस तरीके से बेस्ड होगा और वो करेंसी यहाँ पे आकर के किस तरीके से कन्वर्ट होगी, ये भी बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर यहाँ पर बिजनेसमैन की बहुत अच्छी पकड़ नहीं रही इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए, तो यहाँ पर भुगतान संबंधी जो असुविधा है वो सामने आती है। अगले बाधक तत्व की ओर बढ़ते हैं। अगला बाधक तत्व है आयात निर्यात कर। बच्चों, हर देश में अपना एक कर होता है, टैक्स, ठीक है। वो कर जो होता है उस बिजनेस को मैन को या उस बिजनेस वेंचर को फॉलो करना पड़ता है और उन करों को देना पड़ता है उस देश की सरकार को। तो ये कर होता है, वैरी करता है या डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि उस देश में कितना ये आयात निर्यात कर चल रहा है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये भी एक बाधक तत्व, अगर ज़्यादा हो गया तो थोड़ी सी हानि हो सकती है, कम हो गया तो थोड़ा ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये वाला एक बाधक तत्व और जाना। अगले बाधक तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। अगला बाधक तत्व है विदेशी व्यापारियों के बारे में सूचना का अभाव। विदेशी व्यापारियों के बारे में सूचना का अभाव, बहुत सी ऐसी सूचनाएं होती हैं, जैसे कि बिजनेसमैन किस तरीके से बिजनेस करते हैं, वो एथिकल करते हैं या अनएथिकल करते हैं। एथिकल मतलब कि हर चीज़ को एथिक्स को लेके चलते हैं, उनकी एक विशेषता होती है, वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनके काम करने का तरीका सच्चाई पर है या फिर अपने काम को निकालने के लिए वो साम दाम दंड भेद किस तरीके का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ उस बिजनेस को करने में विभिन्न तरह की सूचनाओं की ज़रूरत होती है। मान लीजिए वहाँ से किसी देश से कोई वस्तु निर्यात की जा रही है, तो वहाँ से वो उत्पाद का ट्रक या जहाज़ निकला कि नहीं, निकला तो कितने समय निकला, वो कब तक पहुँचेगा, कितनी क्वांटिटी में माल आ रहा है उस जहाज़ में, अगर ये सारी चीज़ें जो एंड वाला देश है उसको ना पता चले, तो इस स्थिति में व्यवसाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ अगर इसके अलावा भी अगर हम देखें कि बिज़नेस में बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बिज़नेस करते समय एक बिजनेसमैन को ध्यान रखना चाहिए, तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी उन छोटे छोटे बिंदुओं को एक बिजनेसमैन को ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए उसे विदेशी व्यापारियों की जानकारी होनी भी ज़रूरी है। इन ज़रूरी जानकारी के बिना या सूचना के अभाव में हम कह सकते हैं एक बिजनेस को प्रॉपर रन करना बहुत मुश्किल होता है। अगला जो बाधक तत्व है वह है विदेशी व्यापारियों की विशेषता। अब विदेशी व्यापारियों की विशेषताओं के बारे में जानना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अगर इन विशेषताओं का पता नहीं चला तो उस स्थिति में भी समस्या गंभीर उत्पन्न हो सकती है। अंतिम बाधक तत्व है अन्य कठिनाइयाँ। यहाँ पे हम ले सकते हैं युद्धकाल में कठिनाई, इसके अलावा पैकेजिंग संबंधी कठिनाई, साथ ही साथ यातायात
के यातायात के साधन संबंधी कठिनाई, इन सभी बिंदुओं को अगर हम देखें तो ये इन बिंदुओं को हम इन कठिनाइयों में ले सकते हैं। अब जब हमने ये बाधक तत्व देख लिए हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बाधक तत्व हैं ये सूचना के अभाव में उत्पन्न हो रहे हैं। तो आज जब हम ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं और कम्युनिकेशन जो है एक क्रूशियल मैटर है और ये एक फास्ट डेवलपिंग मैटर भी हो गया है। आज आप सेल फोन्स का यूज़ करते हैं, टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, मेल्स का यूज़ करते हैं, फैक्स का यूज़ करते हैं, इन सभी कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज़ का हेल्प करके इन सभी बाधक तत्वों को ओवरकम किया जा रहा है या उन पर नियंत्रण किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक अच्छे इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाया जाए, उसका विकास और विस्तार किया जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बाह्य अथवा आंतरिक व्यापार या व्यवसाय हैं उनमें प्रवेश करने के लिए जो प्राथमिक सूचना के स्रोत क्या हैं। अगर हम इंटरनल ट्रेडिंग की बात करें या आंतरिक व्यवसाय की भी बात करें तो हमें उस व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले कई तरह की सूचनाओं को एकत्रित करना पड़ता है, जिसमें उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उस भूमि को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, उसके लिए किन किन कानूनों को मानना पड़ेगा, साथ ही साथ किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें, ये हम इंटरनल ट्रेडिंग की बात करें। लेकिन यही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जो है सूचनाओं को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इन सूचनाओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो इन सूचनाओं को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। पहला जो है वो भारतीय आयात निर्यात बैंक से, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में, जो इनका मुख्य काम है कि संलग्न संस्थाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करता है, ये साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और विदेशी व्यापार के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराता है और विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। फिर जो अगली जो प्राथमिक सूचना प्राप्त करने का स्रोत है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषदें। ये क्या होता है, इनमें अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग परिषदों का निर्माण किया गया है, जैसे कि खाद्य पदार्थ के लिए अलग परिषद है और इसके अलावा बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, तो उन सभी सेक्टर्स के लिए अलग अलग परिषदों का निर्माण किया गया है। अब वाणिज्यिक बैंक की बात करें तो ये जो बैंक होती हैं, कमर्शियल बैंक्स हम कह रहे हैं, ये बैंक मदद करती हैं यह जानकारी रखने में कि कहाँ से कितना इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, कहाँ से कितना, ये कौन से बिज़नेस कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें ये कमर्शियल बैंक से के थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं एक इंटरनेशनल बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। फिर बात आती है भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, ये जो है बच्चों यहाँ पर जो है भारत में मेलों के दौरान जो विदेशी व्यापार को हम देश जो हमारा देश है उसके सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है और वहाँ पर इस भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा वो अनुमति दी गई है ताकि वो विदेशी व्यापार मेलों के थ्रू यहाँ बिजनेस बढ़ा सके। तो यहाँ पर मेलों का उपयोग किया जाता है इस तरीके के व्यापार को करने के लिए और इसकी जानकारी जो है वो भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा ली जाती है। इसके बाद आता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं ये बैंक है जो पूरी तरीके से हर बैंक को हमारे देश में कंट्रोल करती है, RBI सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है, तो इस वजह से पूरे फाइनेंशियल या हम कह सकते हैं जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर इनका कंट्रोल भी रहता है, साथ ही साथ इनकी नज़र भी रहती है। इसके पश्चात आता है केंद्रीय व्यापार परिषद परामर्श परिषद, ये जो है विभिन्न परामर्श देने के काम में आती हैं कि किस तरीके के व्यवसाय को शुरू किया जा सके, कितना फंड अवेलेबल हो सकता है, ये बिज़नेस कहाँ कौन से देश में सही रहेगा, ये जो है केंद्रीय व्यापार परामर्श
परिषद के द्वारा इस तरह के परामर्श प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये परामर्श लेने के स्रोत के रूप में हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। पुस्तकालय, जहाँ पर ऐसे पुस्तकें पाई जाती हैं जहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग व्यवसायों के बारे में तथा उनकी व्यवसायियों के बारे में जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ उनमें सारी जानकारियाँ रहती है, जैसे कि उनका टर्नओवर कितना है, साथ ही साथ वो किस तरीके से काम करते हैं विदेशी व्यापार में, वो किन किन व्यापारों में संलग्न हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है, सारी चीज़ें इस तरह के पुस्तकालयों में उपस्थित पुस्तकों में अवेलेबल रहती हैं। और विदेशी विनिमय बैंक, ये जो है इसके थ्रू विनिमय दरों के साथ साथ विदेशी मुद्राओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्रोत की तरह काम करता है। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि इसका कार्य होता है कि ये विभिन्न व्यवसायियों के आंकड़ों को प्रकाशित करती हैं कि उनका टर्नओवर कितना है, उन्होंने कितना प्रॉफिट गेन किया, उनका अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ। तो जो भी इंटरनेशनल बिजनेस में जितने भी आंकड़े आते हैं वो ईयरली बेसिस पे जो है उन आंकड़ों को प्रकाशित करती है। और इसके अगले पॉइंट को देखें जिसे हम विविध के अंतर्गत ले रहे हैं, तो उसमें हम वस्तु मंडल, निर्यात, ऋण और राज्य व्यापार, भारतीय पैकेजिंग संस्था, इसके अलावा और भी ऐसी कई जानकारियां हैं जो इन विविध के अंतर्गत के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, ताकि एक इंटरनेशनल बिज़नेस शुरू करने से पहले हम अच्छी तरीके से उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन को ले सकें और उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें किस फील्ड में इस तरह के इंटरनेशनल बिज़नेस में उतरना है।